हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई एम निशा अरोड़ा। दोस्तों, जब जब एक इंसान कुछ करने की ठान लेता है ना, तब तब वो इंसान अपनी और लोगों की सोच अपने बारे में बदल देता है। एक इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद नहीं मान लेता कि मैंने हार मान लिया है, तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। मैं जानती हूँ आपने बहुत बार वेट लॉस करने की कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार फिर से एक ट्राई करके देखिए मेरे इस समर डाइट प्लान के साथ, क्योंकि हार मानने से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं आपसे वादा करती हूँ मेरे इस समर डाइट प्लान को फॉलो करके आप अपना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अपना बहुत ही अच्छा वेट लॉस करेंगे। आज तक मैंने आप लोगों के साथ अपने ढेरों डाइट प्लान शेयर किए हैं, आपने मेरे हर एक डाइट प्लान को बहुत ज्यादा लाइक किया, बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया, उसे जोरों शोरों के साथ फॉलो किया और आपने अपना बहुत अच्छा वेट लॉस भी करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना ढेर सारा प्यार मुझे देते हो। आप कमेंट बॉक्स में आकर ये अपने रिव्यूज मेरे साथ शेयर करते हो कि मैम आपके डाइट प्लान्स बहुत इजी होते हैं, इजी टू कुक रेसिपीज होती है जिसे हम 2 से 5 मिनट में बना लेते हैं और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम जो है डाइट पे और फिर भी हम इतना सारा खाना खाकर अपना अच्छा वेट लॉस कर रहे हैं। तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे इजी डाइट प्लान ही लेकर आऊं कि आप उसे फॉलो करके अपना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए। दोस्तों, 1 वीक पहले मैंने मेरी एक बहुत ही प्यारी सी क्लाइंट नव्या, जो कि मध्य प्रदेश से है, उनका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने इसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत सारे लोगों ने तो जोरों शोरों से इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद अपने 1 वीक के रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर भी कर दिए हैं। नव्या ने इस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे उसने अपना 40 kg वेट लॉस कर दिखाया है एक सिंपल से डाइट प्लान को फॉलो करके, और आप लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ये सारे डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और अपना अच्छा वेट लॉस करते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही हमेशा की तरह, जैसा मैं आपको बताती हूँ, आपको लेना है 2 ग्लास वार्म वाटर। पानी हमारी बॉडी से बैड टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और सुबह जब आप उठते हैं, खाली पेट गुनगुना पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को क्लीन करना शुरू कर देती है। तो इसलिए ये एक रूटीन तो आप अपना फिक्स कर लीजिए कि मुझे सुबह उठते ही पहले 2 ग्लास पानी पीना है। आप पानी पीजिए, पानी पीने के बाद आप वॉशरूम यूज कीजिए, बाहर आकर अपना वेट चेक कीजिए और फिर अपना दिन स्टार्ट कीजिए। तो गाइस, इस डाइट प्लान में मैं बहुत ही अमेजिंग आप लोगों के लिए फैट कटर ड्रिंक लेकर आई हूं, जो कि आपको जबरदस्त वेट लॉस देने वाली है और उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर भी कर दिए हैं। मैंने अपना लास्ट वीडियो पोस्ट किया था आपके लिए मसाला ब्लैक कॉफी का, और मैंने उसमें आपको बताया था कि ये ड्रिंक मैं आपको समर डाइट प्लान में देने वाली हूं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूंगी। तो जी हाँ, स्क्रीन पर आपको जो है थंबनेल दिखाई दे रहा है, यही ड्रिंक आपको मॉर्निंग ड्रिंक के तौर पे लेनी है। और याद रखिए, इसके रिजल्ट्स बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग है। आप ट्राई करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि मैंने अपना जबरदस्त वेट लॉस किया है। तो ये ड्रिंक आपको कैसे बनानी है, आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लीज अच्छे से देखें, इस ड्रिंक को बनाएं और इसको बहुत अच्छे से आप बैठकर सिप सिप करके पिए, आपको टेस्टी भी बहुत लगेगी, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज मेरे पास आ रहे हैं कि ऐसी ब्लैक कॉफी हमने पहले कभी नहीं पी, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए आप पूरा महीना इसको, पूरी समर इसको जो है पियेंगे और खुश होकर पियेंगे। तो ये थी आपकी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद आपको थोड़ी बहुत चाहे तो फिजिकल एक्टिविटीज आप करें, लाइक वॉक करें आप, या डांस कर सकते हैं। अगर आपको योगा करना अच्छा लगता है तो आप योगा कीजिए, अगर आपको एक्सरसाइजेस करना अच्छा लगता है तो आप वो कीजिए। और देन उसके बाद अपने वर्कआउट के 15 से 20 मिनट के बाद आपको लेना होगा अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील, जो कि होगा आपका ब्रेकफास्ट। गाइस, इस डाइट प्लान में आपका ब्रेकफास्ट सबसे हैवी रहेगा और बाकी के मील्स धीरे 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 थोड़ी कैलोरीज कम होती जाएगी, ताकि पूरा दिन भर आप लाइट फील करें, हल्का फील करें। और जो भी रेसिपीज मैं लेकर आई हूं ना इस डाइट प्लान में, सुपर इजी रेसिपीज हैं, आप बहुत ही जल्दी कुक कर लेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऑफिस गोइंग है तो भी आपके लिए बहुत इजी है, होस्टलर्स हैं तो भी बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप हाउसवाइफ्स हैं अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा तो भी बहुत इजी है, अगर आप एक छोटे बच्चे हैं लाइक 15 से 16 साल के हैं और ये डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो भी आप ये खुद से बना लेंगे और मम्मी को परेशान नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा डाइट प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो चलिए, अब बात करते हैं हमारे दिन के सबसे इंपॉर्टेंट मील, यानी कि ब्रेकफास्ट की, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बॉडी को भूखा रखेंगे तो बॉडी कभी वेट लॉस नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखें। और ब्रेकफास्ट में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही अमेजिंग सा चीला, जो कि आप खाएंगे और मुझे
बिग वाला थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है, मैं अपने घर पे बहुत बार बनाती हूँ और आपको इसको जरूर से ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में रिव्यूज में हर एक रेसिपी के लिए रिव्यू जरूर शेयर करना है यार कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं मेरी किचन में जहां मैं आपको सिखाऊंगी कि ये चीला आपको कैसे बनाना है। गाइज, इस यमी ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, एक बोल में मैंने ले लिए हैं ओट्स, एक बोल में मैंने लिया है बेसन और एक बोल में मैंने लिया है सूजी। ओट्स और सूजी की क्वांटिटी मैंने सेम ली है, 5 स्पून मेरे पास यहाँ पर ओट्स हैं, 5 स्पून मेरे पास यहाँ पर सूजी है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बेसन लिया है। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने ओट्स और ओट्स को डाल दिया और इसे हम हल्का हल्का सा भून लेंगे। 2 से 3 मिनट में इसके अंदर से एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, उस वक्त पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। सो यहाँ पे हमारे जो ओट्स हैं वो अच्छे से भुन गए और बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है, गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। तब तक मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ सब्जियां कट कर ली हैं, जिसमें मैंने एक अनियन, एक छोटी शिमला मिर्च, एक टमाटर, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और एक ग्रीन चिली ले ली है जो इस चिले को बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर हमारे जो ओट्स हैं वो हल्के से ठंडे हो गए और इस तरह से हाथों से आपने इसको क्रश कर लेना है, आपको मिक्सी में चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे क्रश करें। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूजी, जिससे कि ये बहुत ही कुरकुरा बनने वाला है और बाइंडिंग एजेंट की तरह हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बेसन, ताकि आपका जो चीला है वो टूटे नहीं, आप फ्लिप करें तो बहुत अच्छे से आपका चीला बन जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी सारी रो वेजेस। यहां पर मैं कुछ मसाले इस्तेमाल करने जा रही हूं, जिसमें मैंने यहां पर इस्तेमाल की है थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हम ऑलरेडी हरी मिर्च इसमें इस्तेमाल कर चुके हैं, और इसी के साथ थोड़ा सा जीरा पाउडर। अभी मैं इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, पहले हम इसका पानी डालकर एक घोल बनाएंगे। आपको इस तरह से एक गाढ़ा पेस्ट जो है इसका तैयार कर लेना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपको ढक के छोड़ देना है। सो एक बार देख लेते हैं हमारे चिले का जो बैटर है वो बहुत अच्छे से जो है इस तरह से रेडी हो गया है। अगर ये गाढ़ा हो तो आप इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको और पतला कर सकते हैं। अभी आपको आपने देखा होगा कि मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, बिल्कुल लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा कम ही नमक रखना है आपको, बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना। मेरी हर रेसिपी में मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा नमक आप लाइट खाएं, इतना भी कम नहीं खाएं कि आपकी आपको टेस्ट नहीं आए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं खाएं कि आपका वेट गेन हो। तो चलिए हमारा बैटर रेडी है, तैयार करते हैं हमारा चीला। सो हमारा तवा जो है वो गर्म हो गया, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इस पे ऑयल लगाया है और चीले के बैटर को इस तरह से हम फैला देंगे। कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाएं आप, थोड़ा पतला बनाएंगे तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो ये गाइस हमारा एक साइड से हो गया है कुक, चलिए आइए इसको फ्लिप करते हैं। देखिए कितना कलरफुल सा जो हमारा चीला है वो रेडी हो गया और खाने में भी उतना ही टेस्टी और अमेजिंग है। आप खाओगे ना तो मुझे याद करोगे कि निशा मैम की डाइट से वेट लॉस किया और इतना बढ़िया खाना खाकर किया। सो लीजिए गाइस, रेडी हो गया हमारा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट, बहुत ही यमी है, आपको फुलर फील कराएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा खाके और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भूख लग गई है, क्योंकि काफी हैवी ब्रेकफास्ट मैंने इस डाइट प्लान में आपको दिया है। इसमें आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिल गया, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाएंगे। सो कर्ड के साथ इसको खाइए और बहुत 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 आपको अच्छी फीलिंग आएगी, और जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखोगे तो मुझे भी अच्छी फीलिंग आएगी कि ब्रेकफास्ट आपका बहुत अच्छा था। सो देखा गाइस आपने कितनी इजी रेसिपी है, आपने बहुत ही जल्दी इसको कुक कर लिया और ये आप खुद से बना लेंगे, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपनी मम्मा पे डिपेंडेंट है तो, है ना। तो इसीलिए इसको बनाएं, इसको खाएं, इसके रिव्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं अच्छा लगता या आपको लगता है मुझे और भी इजी ऑप्शन चाहिए, तो गाइज आपको मेरे चैनल पर बेसन चीला और ओट्स चीला, पालक रवा चीला, इनकी रेसिपीज मिल जाएंगी, आप वो खा सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको सैंडविच रेसिपीज का वीडियो मिल जाएगा, आप इनमें से कोई भी एक सैंडविच ले सकते हैं, या फिर आपको मिल जाएंगी मूंग दाल टोस्टीज,
आप चाहे तो मूंग दाल टोस्टीज के दो स्लाइस मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दिन के दूसरे मील की, यानी कि हमारा मिड मॉर्निंग मील। हर 2 से 2.5 घंटे में आपको कुछ खाना है, ताकि आपकी बॉडी जो है कुछ गलत नहीं खाए क्रेविंग्स की वजह से। आप जब 2 से 2.5 घंटे के बाद अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ खाने को देते हो, तो आपकी बॉडी कभी भी चीट मील लेती ही नहीं है, क्योंकि आपकी आप ऑलरेडी उसके अंदर फ्यूल डाल रहे हो काम करने के लिए, ठीक है। और बीच बीच में पानी जरूर पीते रहे। तो मिड मॉर्निंग में, जैसा कि आप जानते हैं कि ये समर डाइट प्लान है और गर्मी सबको बहुत ज्यादा लगती है, और हर एक इंसान को चाहिए कि गर्मी में मुझे कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो इसलिए मैं मिड मॉर्निंग में आप लोगों के लिए एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक लेकर आई हूं, जो कि सिंपल सी शिकंजी है। शिकंजी का नाम सुनते ही हमें हमारा बचपन याद आ जाता है, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो हमारी मम्मा हमें शिकंजी पिलाती थी, और ये चीजें हम पीना भूल गए हैं। लेकिन हम इसको शुगर फ्री बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये मीठी भी होगी और बहुत ज्यादा टेस्टी भी होगी। तो चलिए सीखते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। सो इस चिल्ड वाली शिकंजी को बनाने के लिए, जो कि हम घर पे बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसके लिए सबसे पहले मैं एक ग्लास में डाल रही हूं आइस क्यूब्स। आप इसको पी के बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करने वाले हैं, यकीन मानिए। इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है इसमें। थोड़ा सा काला नमक, इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूं थोड़ी सी हनी, ताकि जो हमारी शिकंजी है वो हमें मीठा टेस्ट भी दे और हमें ऐसे नहीं लगे कि जैसे हम चीनी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी के बहुत सारे हेल्दी सब्स्टिट्यूट हमारे पास होते हैं, बस हमारे दिमाग में नहीं आता कि हम कैसे चीजों को अलग तरीके से बना के अपने हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं स्क्वीज कर दूंगी लेमन, इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश मिंट लीव्स, जो कि बहुत ही ज्यादा हमें फ्रेशनेस देने वाली है, और ऊपर से हम डालेंगे चिल्ड वाटर। लीजिए, हो गई है हमारी ठंडी ठंडी शिकंजी रेडी, जो कि गर्मी में भी आपको ठंडे का एहसास दिलाएगी। आप इसको एंजॉय करें और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि जैसे कि आप डाइट पे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें जो हम अपने घर में खाते हैं, वो सारी चीजें जो हम घर में गर्मी के दौरान पीते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए, वो सारी चीजें आपको इस डाइट प्लान में मिलने वाली हैं और आप बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करेंगे। सो गाइज, रेडी हो गई है शिकंजी, इसको पीजिए, अपना अच्छा वेट लॉस कीजिए, और इसमें चीनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट वही मिलेगा जो आप घर पे बनाते हो। एंड यकीन मानिए, इसको पीने के बाद आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करोगे। गाइज, अब बात कर लेते हैं हमारे दिन के थर्ड मील की, यानी कि लंच की। लंच तक आते आते आपको भूख लग जाएगी, क्योंकि मिड मॉर्निंग में आपने सिर्फ एक ग्लास जो है शिकंजी लेनी है, उसके साथ आपको और कुछ भी नहीं लेना, जस्ट एक ग्लास शिकंजी लेनी है आपको। तो लंच में गाइज आपके लिए मैं लेकर आई हूं एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, नटी बनाना स्मूदी, जो कि बहुत ही टेस्टी है और आपको पूरा मतलब आपको फुलर फील कराएगी, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। मोस्टली लोग कहते हैं कि बनाना नहीं खाना चाहिए, वेट गेन होता है, लेकिन मैं बहुत सारे बनाना ही खिलाती हूँ और वेट लॉस कराती हूँ, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस डाइट प्लान को आप जैसे मैं बता रही हूं अगर वैसे वैसे फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा वेट लॉस करेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं कि ये नटी बनाना स्मूदी आपको कैसे बनानी है। दोस्तों, ये नटी बनाना स्मूदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। एक केले का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसको कि मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लिया है। इसी के साथ यहाँ पे मैंने 1 स्कूप जो है ओट्स का इस्तेमाल किया है। ये वही ओट्स हैं जो हमने ब्रेकफास्ट में चीला बनाते टाइम रोस्ट किए थे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध का लिया है, जो कि लो फैट मिल्क है, और ये गाय के दूध का ही आपको इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 डेट्स, जिसके कि मैंने सीड्स देखिए निकाल दिए हैं बिल्कुल, और ये आपको थोड़ा सा मीठा फ्लेवर देंगे इस स्मूदी में। साथ में मैंने ले लिए हैं 5 आमंड्स, आप चाहें तो आमंड्स को भिगो भी सकते हैं। अभी मिक्सी के जार में हम सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफर कर देंगे और एक इसकी बहुत ही हेल्दी सी यमी सी हम स्मूदी बनाने वाले हैं,
जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आपको काफी अच्छा फुलर फील कराएगी और झटपट बनने वाली है। सबसे बड़ी बात, विद इन 2 to 3 मिनट्स में ही आप ये अपना जो लंच है वो रेडी कर लेंगे। तो गाइज, मैंने जैसे आपको बोला था कि आपने आधा कप दूध लेना है और आपको पानी भी उतना ही लेना है, आधा कप दूध और उतनी ही क्वांटिटी में आपको पानी लेना है। मैंने इसीलिए सेम बॉल का इस्तेमाल किया है ताकि आपको जब ये आप रेसिपी बनाएं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जितना पानी हमने लेना है उतना ही हमने दूध लेना है, और दूध आपका लो फैट ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी स्मूदी जो है झटपट बनके हो गई है रेडी। इवन ये आपके बच्चों को भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि एक तो आपका फुलर फील तो करवाएगी, काफी देर तक भूख नहीं लगेगी, और डिलीशियस होने के साथ साथ इसके अंदर काफी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको हेल्थ वाइज भी बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो चलिए आइए इन्हें सर्व कर लेते हैं इसको ग्लासेस में, और उसके बाद इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे हम। ड्राई फ्रूट के साथ कर सकते हैं, पम्पकिन सीड्स के साथ आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं, आपको चिया सीड्स अच्छे लगते हैं तो आप उसके साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ मेरे पास रोस्टेड आमंड्स हैं जिसे कि मैंने इसको गार्निश किया है, एंड सीरियसली इट इज लुकिंग अमेजिंग, बट टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भूखे रहकर आप वेट लॉस कर रहे हैं। पूरा दिन भर इस डाइट प्लान में आप खाएंगे और अपना जबरदस्त वेट लॉस भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि रोज रोज आप स्मूदी नहीं ले सकते, आपको कुछ ऑप्शंस और चाहिए ताकि आप इजीली इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकें, तो गाइज मेरे चैनल पर आपको लौकी रायता की रेसिपी मिल जाएगी। आप एक बोल लौकी रायता ले सकते हैं विद फुल प्लेट ऑफ सैलेड। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी लौकी की सब्जी कैसे बनाते हैं, घिया की सब्जी कैसे सिंपल से वे में बनाकर आप खा सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। इसके साथ भी आपको एक प्लेट सैलेड लेना है। एक मेरे चैनल पर आपको रेसिपी मिल जाएगी कोल्सलो सैलेड की, आप चाहें तो ये भी खा सकते हैं गाइस। और एक बहुत ही अच्छा सा और ऑप्शन है आप लोगों के लिए, दाल पालक। मैंने मेरे चैनल पर आपको सिखाया था बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे आप दाल पालक बना सकते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही टेस्टी है, और इसको खाने के बाद तो आपको बिल्कुल नहीं लगने वाला कि आपको भूख लगी है। तो आप एक प्लेट सैलेड के साथ एक बॉल दाल पालक का भी ले सकते हैं। सो गाइस, अब बात आती है हमारे इवनिंग मील की। इवनिंग मील में आपको लेना है एक कप ग्रीन टी और कोई भी एक सीजनल फ्रूट इसके साथ आपको खाना है। उस सीजनल फ्रूट में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एप्पल लें, आप चाहें तो ऑरेंजेस आ रहे हैं अभी, कीवीज आ रही हैं मार्केट में, गुआवास बहुत अच्छे आ रहे हैं, वाटरमेलन आ रहा है, तो आप कोई भी एक फ्रूट पपाया जो कि आपके रीजन में इजीली अवेलेबल हो, आपको आपके बजट में आए, पॉकेट फ्रेंडली हो, आप वो एक फ्रूट ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हमारे दिन के सबसे लास्ट मील की, यानी कि हमारा डिनर। और यह हमारा डिनर ही डिसाइड करता है कि आप कितना अच्छा वेट लॉस करोगे, क्योंकि जितनी कम कैलोरीज में आप डिनर खाते हो, जितना टाइम पे आप अपना डिनर लेते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका जो डाइट प्लान है वो आपकी बॉडी पे कितने अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि डिनर में आपको क्या क्या लेना है। सो गाइस, डिनर में यहां पर हम लेने वाले हैं ड्राई फ्रूट टर्मरिक मिल्क, जो कि बहुत ज्यादा इजी है बनाने में। आप जब इसको लेंगे तो पूरे दिन भर की थकान उतरेगी, नींद बहुत ज्यादा अच्छी आएगी, स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और वेट लॉस जबरदस्त होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस मिल्क को, इस टर्मरिक मिल्क को हमें कैसे बनाना है। सो गाइज, टर्मरिक ड्राई फ्रूट मिल्क बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए 5 आमंड्स एंड 2 वॉलनट्स, जिसको कि मैंने ऑलरेडी 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर दिया था। अगेन यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं 2 डेट्स, जिसका कि मैंने सीड निकाल दिया है, और सीड निकाल के ही आपको डेट्स का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं पूरे डाइट प्लान में मैंने कहीं पे भी मीठे का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पूरे दिन भर में 4 डेट्स, यानी कि जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग्स होती हैं वो भी इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपना अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं, और यकीन मानिए आपको चीट करने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। इसी के साथ 1 चम्मच मैंने सनफ्लावर सीड्स और 1 चम्मच मैंने पम्पकिन सीड्स का भी इस्तेमाल किया है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद यहाँ पर जो हम एक इंग्रेडिएंट और डालने वाले हैं वो है सौंफ। तो 1 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें, जो कि इस मिल्क को फ्लेवर देने के साथ साथ आपको काफी अच्छा वेट लॉस करने में भी हेल्प करने वाले हैं। तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और इस दूध को बहुत ज्यादा डिलीशियस और न्यूट्रिशियस बनाएंगे। थोड़ा सा दूध डालकर आप इसको एक थिक पेस्ट बना लेंगे मिक्सी का जार चलाकर, और आप देखेंगे कि इसका जो पेस्ट है ना वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और यही आपके जो दूध को फ्लेवर देने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हल्दी वाला दूध पीना हमें पसंद नहीं है, इस तरह से हल्दी वाला दूध पियोगे तो बिलीव मी कि सारी बीमारियां तो बॉडी से बाहर निकालोगे ही, टेस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, और डे बाय डे आपका स्टेमिना बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
तो दूध में 1 से 2 पिंच हल्दी डालें और उसको अच्छे से बॉईल कर लें, और उसके बाद ग्लासेस में ये जो आपने बैटर रेडी किया है उसको अच्छे से जो है आप जितना बैटर आप बना रहे हैं क्वांटिटी का ध्यान रखें, उस अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये मैंने ग्लास में पोर कर लिया और ऊपर से गरम गरम आप हल्दी वाला दूध डालें। अगर आपको गरम दूध पीना पसंद नहीं है तो आप ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि रात को सोते वक्त आप हल्दी वाला दूध ही पिएं। एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा, और आपको अगर PCOD है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन रहता है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, या किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारी चीजों से आपको ये एक मैजिक मिल्क जो है ना, ये आपको छुटकारा दिलाने वाला, तो इसको तो बिल्कुल लेना आप ना भूलिएगा। सो देखा गाइस आपने कितना इजी सा डाइट प्लान है, सारी रेसिपीज बहुत ज्यादा इजी हैं। अगर आपको टर्मरिक मिल्क नहीं लेना, वैसे तो मैं कहूंगी कि यही लें, इस ऑप्शन को चेंज ना करें, लेकिन फिर भी हम इंसान है, रोज एक जैसी चीज खाते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो मैं इसलिए आपके लिए डिनर में भी ऑप्शंस लेकर आई हूँ। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे सूप्स की रेसिपीज मिल जाएंगी, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सूप ले सकते हैं, आप टोमेटो सूप ले सकते हैं, आप पालक का सूप ले सकते हैं, पंपकिन का सूप मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पर, तो आप कोई भी सूप ले सकते हैं, और आपको उसके साथ सैलेड लेना बहुत जरूरी है, या फिर आप गाइस एक स्मॉल बोल खिचड़ी का ले सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको 3 खिचड़ी की रेसिपीज मिल जाएंगी जो कि बहुत इजी टू कुक है, तो आप जो है एक स्मॉल बोल खिचड़ी ले सकते हैं और साथ में खूब सारा सैलेड। सो गाइस ये था हमारा आज का डाइट प्लान, रेसिपीज बहुत ज्यादा इजी हैं, आपको फुलर फील कराएंगी, पूरा दिन अच्छे से पानी पीजिए, डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो कीजिए। ये डाइट प्लान आप फुल समर फॉलो कर सकते हैं, और यकीन मानिए इस समर आपका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डाइट प्लान इजी लगा, कॉमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे लोग अच्छा खाना खाकर अपना अच्छा वेट लॉस कर पाए। और आपको अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं कि आपको रमजान डाइट प्लान चाहिए, तो मैं डेफिनेटली वो डाइट प्लान इस वीडियो के बाद आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई और टॉपिक है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। सो अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, खुद को हेल्दी बनाइए, और अपनी फैमिली को भी यही सिखाइए कि आप अच्छा खाना खाकर खुद को ठीक रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।